इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोफाइल को और यूज़र को डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो डिलीट के लिए आपको डिलीट का मेथड चलाना है, इसके अलावा कोई खास चीज़ नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर डिलीट का आपने पहले राउट बना दिया है, ठीक है, ऑथ किया हुआ क्योंकि ये आपका प्राइवेट है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, टोकन जनरेट करने के बाद ही वो यूज़ होगा तो वो मैच करेगा, ठीक है, टोकन के साथ। जैसे उसको उसकी आईडी मिलती है डिलीट करने के लिए तो उसके हिसाब से वो डिलीट कर देगा। डिलीट के लिए यहाँ पे फंक्शन चलाया हुआ है, मेथड चलाया हुआ है फाइंड वन एंड रिमूव। इसके थ्रू जो भी यूज़र होगा उसकी आईडी जैसे इसको मैच करेगी टोकन के थ्रू और उसको मैच हो जाती है तो वो उस आईडी के थ्रू उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल को डिलीट करने का तरीका ये हो गया, और साथ साथ में अगर आपको यूज़र को डिलीट करना है तो यूज़र के लिए यूज़र का तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, यूज़र को उसके आईडी के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो, प्रोफाइल को जो भी डिलीट करना होगा वो उसके यूज़र के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूज़र डिलीट हो गया तो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उसकी शायद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ सही होगा तो डिलीटेड मैसेज का एरर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपका, और एरर होगा तो आपको एरर आपको स्क्रीन पर शो करने लगेगा। ठीक है, मैं ये ट्राई करके बता नहीं रहा हूँ, बस पोस्टमैन में जाना और आप कुछ नहीं करना है, आपको ये दोनों फिलअप कर देना हेडर्स में जाके। ठीक है, नया टैब खोल के उसके हेडर्स में जाके एक्स ऑथ वाला और टोकन डाल देना, वहाँ पर एक दो प्रोफाइल बना देना, और उसके बाद इस राउटर को यूज़ करना आप, तो आपका जो भी होगा आईडी होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ खास काम नहीं करना, मेरी एक ही बनी हुई है, मैं बार बार डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।